हेलो स्टूडेंट्स अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत आप कैसे हैं मैं आपके साथ लक्ष्मण सिंह राव आपके साथ किस प्रकार से हम वन वर्ड्स की सीरीज़ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे थे कि हम किस प्रकार से सर जुड़े रहते हैं बिल्कुल आप में से सैकड़ों की संख्या में रहते हैं और जिस तरीके से आपका ये जुड़ाव है सीमा बिश्नोई बिल्कुल वेलकम हेमंत कुमार जी एस 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 किंजरी जी एस 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 किंजरी आपके काफ़ी जवाब आते हैं आप जुड़े हैं लाइक शेयर अभिषेक जांगीर सुरेंद्र प्रजापति जी एस एस किंजरी सर जी स्कूल ओपन कब हो रहा है या बिल्कुल ये तो आपको ये चीज़ें हो गई हैं आपके ईशु प्रजापत विशाल सोलंकी सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कुमकुम -कुम चौधरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत अभिनंदन आपके नाम बीच में भी लेता रहूँगा और जिस तरीके से आपने इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया है और दूसरों को भी एक प्रकार से शेयर लाइक आदि के माध्यम से जो प्रेरित किया है बहुत अच्छी बात है वन वर्ड सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं देखिए आर्ट ऑफ मेकिंग फाइव आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स यानी जो आतिशबादी होती है तो उसको लेकर के जिस प्रकार से फायरोटेक्निक्स इसको फायरो टेक्निक्स कहते हैं जो आतिशबादी कहलाती है जो आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स ठीक है जो क्रेकर्स होते हैं पटाखे उसी प्रकार से उसी को लेकर के फायर टेक्निक्स आतिशबाजी आर्ट ऑफ मैप मेकिंग मैप मेकिंग जो है नक्शा आदि जो होता है मानचित्र बनाने की जो कला होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है क्या कहलाती है कार्टोग्राफी मानचित्र आदि बनाने की जो कला होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है इसको लेकर के वन वर्ड बहुत बार पूछा गया है बिल्कुल आप सभी जुड़े हुए हैं कुमकुम चौधरी विशाल सोलंकी वेरी गुड विशाल सोलंकी साथ ही साथ मोंगेश कुमार मोंगेश कुमार और साथ ही साथ जसू गोदारा विशाल सोलंकी वेरी गुड सभी आप सभी जुड़े रहते हैं उत्तर भी दे रहे हैं कुछ वन वर्ड्स आपको जो याद हो उसकी आप उत्तर भी लिखें यहाँ पे टाइप करें स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल एलोक्यूशन वाक पटुता बोलने में जो दक्षता होती है इसको स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल वो एलोकेशन कहलाता है आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज मधुमक्खियाँ जो होती है वो जिस प्रकार से शहद को हनी को इकट्ठा करती है वो एक प्रकार की जो आर्टिफिशियल एक प्रकार से सेंटर से होता है हनी बीज तो वो मधुमक्खी जो बनाती है वो होता है हाइव मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो हाइव कहलाता है ठीक है हाइव से हम हनी लेते हैं हनी यानी शहद और हाइव यानी छत्ता मधुमक्खी जो होती है बी बी यानी &E मधुमक्खी जो होती है उसका जो छत्ता होता है वो हाइव कहलाता है और वो उसको उसके अंदर वो हनी को इकट्ठा करती है शहद को इकट्ठा करती है तो ये अपने पहला जो वर्ड है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग वेल इसको लेकर के एलोक्यूशन और आर्टिफिशियल सेंटर फॉर हनी बीज उसके लिए हाइव शब्द वन वर्ड के तौर पर आएगा ये इस प्रकार से सेंटेंसेस आपके लिए रहे हैं बिल्कुल आप जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आपके रेस्पॉन्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है आगे देखिए असेंबली ऑफ वर्सिपर्स धर्ममंडली हिंदी में जिसको कहते हैं असेंबली ऑफ वर्सिपर्सेशन उसके लिए होगा ठीक है बिगनिंग ऑफ ए बुक हम कभी भी देखते हैं बुक होती है बुक में सबसे पहले प्रीफेस दिया हुआ होता है बिल्कुल होता है ना जो कि प्रस्तावना कहलाती है किताब को जब आप शुरुआत में देखेंगे वहाँ प्रीफेस होता है वो प्रस्तावना होती है वो ऑथर के द्वारा एक्सप्लेनेटरी रिमार्क होती है जो कि किताब की शुरुआत में होती है उसको प्रिफेस बोला जाता है ये शब्द कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में आप इसको अच्छे तरीके से क्योंकि बुक में हमेशा खोलते ही उसको पढ़ता कोई नहीं है प्रिफेस को आप पढ़ते नहीं पढ़ना चाहिए उसमें काफ़ी उसका एक प्रकार से लेखक द्वारा प्रस्तावना में अपने विचार आदि व्यक्त किए हुए होते हैं और उससे जानकारी भी हमें मिलती है तो ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जाता है आगे देखिए डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स ऑफ एन ऑफिस अधिकार चिन्ह या बेज तो इसको इंसाइनिया ठीक है ना इंसाइनिया जो होता है वो अधिकार चिन्ह बेज ठीक है इन जिसको इस टाइप से आप कोई पढ़ते इंसिग्निया इन, साइन से बना साइन जो होता है ना एस आई जी एन एस आई जी एन साइन और इसका फुल फॉर्म के रूप में जिसको हम पढ़ते हैं सिग्नेचर सिग्नेचर ठीक है इसको लेकर के तो ये अधिकार चिना बेज आदि को लेकर के शब्द बेड ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी न्यू बेबी के लिए जो बेड होता है जिसको हम क्रेडल बोलते हैं क्राइब बोलते हैं बच्चे का पालना खटोला ये क्रेडल आदि कहलाता है क्रेडल भी, क्राइब भी कहलाता है बिल्कुल आप सभी विशाल सोलंकी प्रजापत कुमकुम -कुम चौधरी मंगेश कुमार शबाश आप सभी है वो रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से काफी कुछ सीखा है बढ़े आगे आगे देखिए बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज अंधविश्वास जो होता है सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन का अर्थ हो गया अंधविश्वास बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रीजन और नॉलेज जो रीजन और नॉलेज बेस्ड नहीं होता है वो अंधविश्वास कहलाता है जिसके लिए सुपरस्टिशन वर्ड वन वर्ड के तौर पर काम में आएगा बर्ड दैट कम्स एंड गोज विथ सीजन्स देखिए हमारे देश में साइबेरियन क्रेन जो होते हैं सारस जो होते हैं जो माइग्रेटरी कहलाते हैं प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी जो होते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और खींचन फलोदी जो एरिया है राजस्थान में यहाँ पर बहुत सारे पक्षी इस प्रकार से आते हैं साइबेरियन सारस जो यहाँ पे समय बिताते हैं करण सिंह विशाल सोलंकी बिल्कुल अभिषेक जांगीर सवास कुमकुम चौधरी आप काफी जुड़े हैं करण सिंह आप काफी समय से आपके रेस्पॉन्स आ रहे हैं करण वेलकम एंड ब्लेसिंग गिवन बाय ए पुजारी आदि के द्वारा जो ब्लेसिंग दिया जाता है ठीक है ना बेनेडिक्शन कहलाता है क्या कहलाता है बेनेडिक्शन जो कि आशीर्वाद मंगल कामना हिंदी में हम मंगल कामना आशीर्वाद कहेंगे बेनेडिक्शन कहलाएगा वो वन वर्ड के तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड डायरेक्टोरेट डायरेक्टरेट निर्देशक मंडल जो होता है डायरेक्टोरेट बीकानेरा से है तो उसमें डायरेक्टोरेट बीकानेर ठीक है वो हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड डायरेक्टोरेट निर्देश निर्देशक मंडल बिल्कुल इस प्रकार से ये हुआ आगे हम बढ़ते हैं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके रेस्पॉन्स भी आ रहे हैं बिल्कुल फेस टू फेस बिल्कुल आपका ध्यान यह होना चाहिए काफी आपकी रिप्लाई भी आते हैं और कुछ बढ़िया तरीके से जो जवाब देते हैं प्रश्न का उत्तर भी लिखते हैं कि सर इसमें ये हुआ और मैं देखता हूँ कि आप सभी जो जितनी वर्ड सीख रहे हैं आपके लिए बहुत ही काम की चीज है ये बॉडी ऑफ डेलीगेट्स मंडल जो होता है डेलीगेट्स जो होते हैं ना तो वो उसमें डेलीगेसी कहलाता है डेलीगेट से रिलेटेड डेलीगेसी प्रतिनिधिमंडल अब बुक ऑफ ए सेकार्ड और रिलीजियस नेचर जो होती है वो स्क्रिप्चर कहलाती है स्क्रिप्चर होते हैं धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर यानी धर्म ग्रंथ जो कि सेकार्ड या रिलीजियस नेचर रिलेटेड होती है जिसको स्क्रिप्चर बोला जाता है और इसको लेकर के जो हमने वर्ड्स जो हैं कि स्क्रिप्चर क्यों पढ़ा गया टी यू आर यू जो है नेचर स्क्रिप्चर सिग्नेचर स्ट्रक्चर ये आपको इसको लेकर के मैंने पहले ही बहुत बढ़िया तरीके से हमारी जो सबसे पहली पोइम थी बारहवीं क्लास के लिए नोबल नेचर उसके अंदर पूर्ण विस्तार से इसको एक्सप्लेन किया गया है और उसको आप देखिए तो उसमें आपको पूर्ण रूप से सब कुछ जो हमारे क्लास जो हुई थी शुरुआत उसमें यूट्यूब पर सबसे पहली क्लास जो नोबल नेचर पोईम से है उसमें आप देखेंगे आपको सुप्रीमली बहुत बढ़िया तरीके से पूरा मिलेगा कि हाँ कितना विस्तारित तरीके से सर ने समझाया है आपको भी वो 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 इसमें अच्छा लगेगा कि कहाँ द का प्रयोग होता है किस प्रकार से वो भी मैंने उसमें बताया है करण सिंह अभिषेक जांगीर कंकुम चौधरी भक्ति सागर भक्ति सागर सीमा बिश्नोई बिल्कुल जसु गोदारा विशाल सभी आप जुड़े हैं और करण सिंह अभिषेक जांगीर वेरी गुड आगे देखिए मोक्स पिक्चर्स एक्सेस्ट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर एरोटिक्स अश्लील ग्रंथ कामोत्तेजक साहित्य जो होता है वो एरोटिक्स कहलाता है ब्रिंग बैक टू लाइफ जिसको होश में लाना रिवाइव ब्रिंग बैक टू लाइफ रिवाइव करना होश में लाना ब्रिंग बैक टू लाइफ यानी उसको रिवाइव करना होश में लाना ठीक है ये इसके लिए वर्ड हो गया वन वर्ड के तौर पर ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स कैप्चर कब्जा करना किसी पर अधीन करना कब्जा या अधीन करना कैप्चर करना उसको ये इसमें कैप्चर करना कहलाएगा जिसके लिए ब्रिंग अंडर कंट्रोल बाय फोर्स बाय फोर्स जिसको अंडर लाया जाता है वो कैप्चर करना कहलाता है बिल्कुल भूपेंद्र सिंह मंगेश कुमार भक्ति सागर अभिषेक शबास आप सभी जुड़े हैं रूही राजपूत वेलकम वेलकम यू ऑल साथ ही साथ The anonymous boy, anonymous. Bring under control in war, तो उसको लिए subjugate, subjugate शब्द होगा, subjugate, जिसको हम अधीन या दमन करना कहते हैं. Bring under control in war, एक तो bring under control by force, है, जिसके लिए कैप्चर शब्द और bring under control in war, उसके लिए subjugate शब्द. आया है जो कि अधीन या दमन करना कहलाता है आगे देखिए बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स एट आर्ट गैलरी कहते हैं गैलरी। आर्ट को प्रदर्शित करने के लिए कला भवन जो होता है वो आर्ट गैलरी कहलाता है आर्ट गैलरी बिल्कुल आप में से भक्ति सागर बैड बॉय करण सिंह लकी मेरा नाम भक्ति सागर अभिषेक कुमकुम चौधरी यीसु प्रजापत वेलकम यू ऑल ऑल ऑफ यू कला भवन कहलाएगा जिसको गैलरी कहेंगे दैट कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स शब्दों के अंदर जिसको तो उसमें एक्सप्रेसिबल कथनीय जिसको व्यक्त करने योग्य होता, होता है एक्सप्रेसिबल होता है कथनीय कहलाएगा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स उसके लिए वन वर्ड के तौर पर और अ बिल्डिंग फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट दैट इज कॉल गैलरी माइंड कॉल बैक करना कहते हैं ना रिकॉल स्मरण करना पुनः स्मरण जो करते हैं रिकॉल कहलाता है recall कहला क्या कहलाता है रिकॉल स्मरण करना और कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड सुगम या सुलभ जो होता है उसके लिए एक्सेसिबल एक्सेसिबल शब्द होगा एक्सेसिबल जो कि सुगम या सुलभ सुगम या सुलभ कहलाएगा बिल्कुल जुड़े रहिए आप सभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ठीक है और अ बिल्डिंग इक्विप्ड विद ए पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो कि ऑब्जर्वेटरी कहलाती है ऑब्जर्वेटरी होती है वेदशाला वेदशाला जयपुर आदि में जो अपने हैं ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्वेटरी कहलाती है वेदशाला जयसिंह आपने पढ़ा भी होगा सोई से जयसिंह आदि के माध्यम से उनके थ्रू जो बनवाई गई तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बिंदु जो होता है से और हो गया उसके लिए और साथ ही साथ बिल्डिंग इक्विप्ड विद ए पावरफुल टेलीस्कोप फॉर एस्ट्रोनॉमिकल दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेटरी वेदशाला ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट सब्जेक्ट का ब्रीफ अकाउंट जो होता है वो समरी कहलाती है और कंपरेडियम भी कहते हैं सारांश कंप्रम समरी और साथ ही साथ बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन आर प्रिपेयर और स्टोर्ड मिलिट्री वेपन जिसको तो आरसन कह देते हैं आरस एन एल होते हैं जो शस्त्राज्ञा कह श्राज्ञा शस्त्रागार शास्त्र जिसमें शस्त्र होते हैं शास्त्र के शस्त्र शस्त्रागार ठीक है शस्त्रागार जिसमें शस्त्र रखे जाते हैं आर्सनल दैट कैन लीव विदाउट आउटसाइड हेल्प जीने में सक्षम वाइबल जीने में सक्षम सक्षम जो हो गया वो वाइबल हो गया और साथ ही साथ केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग जो को उसका संरक्षक जो होता है कस्टोडियन कहते हैं उसको कस्टोडियन कस्टोडियन केयरटेकर ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग वो कस्टोडियन कहलाता है ठीक है भक्ति सागर करण सिंह बिल्कुल अभिषेक जांगीर कुमकुम चौधरी सभी के आपके अच्छे जवाब भी आ रहे हैं आप जुड़े हैं आगे हम बढ़ते हैं अटैचमेंट ऑफ व्हाट इज नेचुरल नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद उसको नेचुरलिज्म कहेंगे क्या कहेंगे नेचुरलिज्म जो प्रकृतिवाद में आता है अटैचमेंट ऑफ वर्ट इज नेचुरल सॉरी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग मतलब अनुमान होता नहीं बड़ा अप्रोक्सीमेट जो होता है एस्टिमेट जिसको हम कहते हैं आकलन करना अनुमान एक प्रकार से एस्टिमेट जो लगाते हैं अप्रोक्सीमेटली जो हम बोलते हैं कई बार कि लगभग वो एक अनुमान के तौर पे होता है और उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे एस्टिमेट अनु, अनुमान या आकलन करना एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज फॉर फूड किसी भी प्रकार का जो भोजन आदि अनाज आदि के लिए जो इस प्रकार से यूज किया जाता है वो अनाज होता है तो उसमें सेरियल कहलाएगा ठीक है सेरियल उसका कारण देखिए इसमें यहां पे इससे पहले वोवल आदि का यूज होता है उसका काफी फर्क पड़ता है अनाज कहलाएगा और एंग्री एट इनजस्टिस अन्याय होने पर जो तो एंडिंगनेट इंडिग्नेट उसमें रोस रोस जो होता है उसके इंडिंगनेट शब्द यूज होगा जो कि एंग्री एट इनजस्टिस एंक्स टू तो हेल्प समी बॉडी एक्स टू तो हेल्पी सोलिटिस सोलिसिटस सोलिसिटस ध्यान रखने वाला शी, कहलाएगा सोलिसिटस का अर्थ हो गया ध्यान रखने वाला जो एंक्स टू तो हेल्प सम बॉडी किसी का ध्यान रखने वाला उसकी हेल्प करने के लिए आतुर दैट कैन बी परसीड बाई सेंसेस उसको Perceptible कहेंगे अनुभव जन्य अनुभव गम्य अनुभव गम्य परसेप्टिबल जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया सीमा विश्नोई करण सिंह भक्ति सागर अभिषेक जहांगीर बिल्कुल शबाष सभी आप जुड़े हैं सेरमनी ऑफ टॉइंग क्राउनिंग अ किंग जो राजा बनने जा रहा होता है इसके लिए जो भी एक प्रकार से प्रोग्राम आदि आयोजित किए जाते हैं तो सेरेमनी जो होता है वो कॉरोनेसन होता है और कॉरोनेसन का अर्थ राज्याभिषेक होता है क्राउन पहनाने के लिए क्राउन होता है ताज ताज पहनाने के लिए जो भी एक समारोह आयोजित होता है वो कॉरोनेशन राज्याभिषेक कहलाता है चैन ऑफ फ्लावर्स लीव्स रिबंस एटसेट्रा जिसको हम तोरण या झालर कहते हैं वो फेस्टून कहलाता है और फेस्टून बुक का भी नाम है ध्यान देना फेस्टून बुक आपने फेस्टून का अर्थ होता है तोरण अथवा झालर ये अपने जनरली सजावट आदि के लिए जिसमें फ्लावर्स लीव्स रिबंस आदि के माध्यम से बनाई जाती है तैयार की जाती है आगे देखिए चेंज इन डायरेक्शन दिशा परिवर्तन क्या कहलाएगा डाइवर्जन आप देखेंगे रोड जब बन रही होती है उस समय वहां लिखा हुआ होता है डाइवर्जन तो वो उसका अर्थ हो गया चेंज इन डायरेक्शन यानी इसका अर्थ हुआ स्थान आपके लिए रास्ता थोड़ा परिवर्तित किया गया है दिशा परिवर्तन किया गया है उसके लिए और उसको हम पढ़ते नहीं है फिर भी गाड़ी घुसा देते हैं लिखा हुआ तो है ड्राइवर में पता नहीं क्या लिखा हुआ है उसका अर्थ है कि दिशा पर यानी यह रास्ता आपके लिए परिवर्तित किया गया है ठीक है आगे जो है कुछ निर्माण कार्य चल रहा होगा तो उसको देख करके तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये चीज़ें चेंज टू समथिंग अब नॉर्मल अननेचुरल दैट इज कॉल्ड प्रवचन विकृति या पथ भ्रष्टता प्रवचन विकृति या पथ भ्रष्टता इसको कहा जा सकता है चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल अननेचुरल जो हो जाता है चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन स्टोरी और ड्रामा ड्रामा आदि में मुख्य पात्र प्रोटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट नायक मुख्य पात्र के रूप में जो होता है प्रोटागोनिस्ट और हेबिचुअल कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन जिसको इथोस आचार लोकाचार कहते हैं आचार या लोकाचार कहलाता है आगे देखिए यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स नए शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है नियोलोजिज्म 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 नए शब्दों का प्रयोग नियोलोजिज्म और आगे वन हु होल्ड्स दैट नथिंग इज और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एग्नोस्टिक कहलाता है वह व्यक्ति जिसका सिद्धांत है कि ईश्वर के, के विषय में न जाना गया है न जाना जा सकता है इसके लिए इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं अब देखिए इसमें ठीक है इसके लिए वह व्यक्ति जिसका सिद्धांत यह कि ईश्वर के विषय में न जाना गया है ना जाना जा सकता है एग्नोस्टिक कहलाता है एग्नोस्टिक ठीक है और यह नियोलॉजिस्म अलग है ये नए शब्दों के प्रयोग के लिए और टू डेस्ट्रॉय कंप्लीटली तो उसके लिए एनहिलेट उन्मूलन करना एनहिलेट्स एनिलेट मतलब उन्मूलन करना डेस्ट्रॉय कम्प्लीटली दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रटेशन एम्बीगस अनिश्चित संदिग्ध अस्पष्ट एम्बिगस टू डेस्ट्रॉय कम्प्लीटली अनहिलेट और साथ ही साथ दूसरा उसका उन्मूलन करना इरेडिकेट आदि भी होता है और दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रटेशन एम्बिगस अनिश्चित संदिग्ध या अस्पष्ट कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ एंड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर जो जल थल दोनों पर स्थल तथा जल में रहने योग्य उसको एम्फीबीएस कहेंगे एम्फीबीएस एम्फीबीएस जो जल और थल में दोनों जगह रहते हैं इन स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी स्टेट ऑफ म्यूचुअल जो विपक्षी आदि जो होते हैं एंटागोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक विरोधी विपक्षी एक प्रकार से उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा और न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल ए डिस्प्यूट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर पार्टी आर्बिटर उसको कहेंगे आर्बिटर पंच निर्णय करने वाला मध्यस्थ आदि जो होता है आर्बिटर कहलाता है ठीक है ऐसी न्यूट्रल पार्टी होता है ना गांव में कई बार जो इस प्रकार से पंच बनाया जाता है और वो जिस प्रकार से अलगू चौधरी वाला ना आपने पढ़ा होगा ग्यारहवीं क्लास में वो जिसमें पंच परमेश्वर तो वो बात अ गवर्नमेंट बाय वन मैन एक आदमी द्वारा तो वो ऑटोक्रेसी कहलाती है एक राज्य जिसमें एक व्यक्ति का शासन हो ऑटोक्रेसी में आता है ये प्रश्न कई बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट है आगे देखिए नैरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट अंडर द गाइज ऑफ एनोदर और ए सस्टेन मैटाफार तो एलिग्री दृष्टांत या कथा एलिग्री ठीक है इसके लिए दृष्टांत या कथा ये वर्ड यूज किया जाएगा अंग्रेजी में एलिग्री इसको कहलाया जाएगा काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर्स दैट आर हार्मफुल दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी होता ना एंटीबॉडी हम इसके लिए प्रतिरोधक के रूप में यूज करते हैं अब देखिए इसके लिए रक्त में उपस्थित ऐसा पदार्थ जो हानिकारक तत्वों को नष्ट करता है वो एंटीबॉडी कहलाता है काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर्स दैट आर हार्मफुल ठीक है इसके लिए तो इसमें आप देखिए अब आपको सब दिख रहा होगा काइंड ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड टेनिंग न्यूट्रलाइज अदर्स दैट आर हार्मफुल दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो होता है प्रतिरक्षक के रूप में आगे देखिए दिखाई दे रहा है अब देखें द साइंस ऑफ बी कीपिंग कल्टिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स जो मधुमक्खी आदि का पालन होता है उसका रख रखाव जिसमें शहद प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है वो एपिकल्चर में आता है मधुमक्खियों का पालन वो एपिकल्चर कहलाता है काफी प्रश्न पूछा गया इसके बारे में एपिकल्चर को लेकर के और सम डिजीज आफ्टर जनरेशन ऑफ सिमिलरिटी इन स्पेशल फीचर्स विथ रिमोट एंसेस्टर्स दैट इज एटेबिज्म विशेष रूपों में पुरुषों से समानता ठीक है ना रिकरेंस ऑफ सम डिजीज आफ्टर जनरेशन ऑफ सिमिलरिटी इन स्पेशल फीचर विथ रिमोट स्टार्स जो एटोविज्म विशेष रूपों में पुरुषों में जो समानता होती है हो, एटोविज्म कहलाता है टू माइग्रेट और लेसन द सफरिंग और पेन कोई भी दर्द आदि को कम करना छुटकारा देना उसके लिए एलिवेट एलिविएट एलिविएट शब्द है और साथ ही साथ दूसरा है पॉजिटिव एंड एम्फेटिक एडवेंसमेंट ऑफ चेंज और स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन उसको एलिगेशन कहते हैं क्या कहते हैं एलिगेशन देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेते हैं यहां ध्यान दीजिए इसके लिए आपके कुछ वर्ड्स यदि दी, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं एलिवेट एलिगेशन अब देखिए टू मिटिगेट और और लेसन द सफरिंग पेन छुटकारा देना कम करना सांत्वना देना पॉजिटिव एंड देनाथिक एडवांसमेंट ऑफ चेंज और स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन जो कि मिथ्या अभियोग झूठी प्रतिज्ञा एलिगेशन कहलाता कहते हैं ना एलिगेशन लगाया झूठे आरोप झूठे आरोप लगाना एलिगेशन लगाना इसके लिए कई बार नेता लोग आपस में करते हैं एलिगेशन के झूठे एलिगेशन है वन हु हैज रिगार्ड फॉर अदर्स इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शंस उसको कहेंगे हम एल्ट्रिस्टिक परोपकारी एल्ट्रिस्टिक परोपकारी अ पर्सन गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी तो आसोनिस्ट कहलाएगा संपत्ति या घर जलाने का अपराध करने वाला आसोनिस्ट कहलाएगा ठीक है ये वन वर्ड के तौर पे काफी अच्छा शब्द है ये हालांकि काम तो काम तो खराब ही है लेकिन शब्द जो है आसोनिस्ट संपत्ति या घर जलाने का अपराध करने वाला जो होता है उसके लिए आसोनिस्ट शब्द होगा सेंसिटिवनेस टू द एक्शन और ए पर्टिकुलर फूड जो एलर्जी किसी प्रकार के भोजन या दवा से प्रभावित होते तो एलर्जी होगी कहते हैं ना एलर्जी हो गई टू मेक बेटर टू इंप्रूव और टू लिफ्ट टू ए बेटर प्लेस दैट इज एमिल्योरेट एमिल्योरेट सुधार लेना करना दुरुस्त होना आदि आगे बढ़े बाईविच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनलिटी इज एट्रीबिटेड टू गॉड देखिए इसमें ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का जो सिद्धांत होता है वो एंथ्रोपोमोरिज्म एंथ्रोपोमोर्फिज्म एंथ्रोपोमोर्फिज्म कहलाता है एंथ्रोपोमोरबिज्म का अर्थ हो गया ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धांत तो जो है एंथ्रोपोमोरफिज्म कहलाता है और साथ ही साथ साथन ऑफ एक्टिव यूज ऑफ आर्म सिग्निफाइंग ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टूज ये कहलाएगा आर्मिस्टिस युद्ध विराम आर्मिस्टिस टाइस भी शब्द बोलते हैं आर्मिस्टाइस आर्मिस्टाइस ठीक है युद्ध विराम ये भी अच्छा शब्द है ध्यान दें आगे बढ़े आगे देखिए मिस्टेक इन द क्रोनिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ए थिंग विच इज आउट ऑफ हार्मनी विथ ए पीरियड तो उसमें अनार्कोनिज्म अनार्कोनिज्म जो कालगणना का भ्रम होता है अनार्कोनिज्म कहलाएगा और मैकेनिक और क्राफ्ट हु हु एक्वायर्ड स्किल इन ए पर्टिकुलर क्राफ्ट जो आर्टिजन कहलाता है शिल्पकार कारीगर आर्टिजन आर्ट इसको लेकर के भी पहले भी इसको लेकर के मैंने शब्द एक आपको पहले बताया था पुराने वीडियोज में आपको मिलेगा आर्टिजन हो गया इसके लिए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी इसको लेकर के पहले पढ़ा है ब्यूरोक्रेसी वाला सवाल कई बार आया है मैन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स तो इसमें बिब्लियो पुस्तक प्रेमी जो होता है बिब्लियो कहलाता है जो ग्रेट लवर ऑफ बुक्स और अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल दैट इज ब्यूरोक्रेसी द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स टू वाइव्स अब एक आप पता ही नहीं दो की बात हो रही है तो बाई बाइगेमी एक पत्नी या पति रहते दूसरा विवाह करने का जो अपराध होता है वैसे बाईग कहलाता है बिलोंगिंग टू ए क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स तो इसमें बोर्ग मध्यम वर्गीय बोर्जियस ठीक है आगे देखिए सोशियली अनकन्वेंशनल ए मैन ऑफ फ्री एंड ईजी हैबिट्स तो उसके लिए बोहेमेन यानी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह विशेषकर कलाकार जो अपनी कला को नवीन ढंग से प्रस्तुत करते हैं बोयिया आपने ट्रबल इन बोमिया इस टाइप से पढ़ा है ना उसी से मिलता जुलता वन हु रेडिली बिलीव एवरीथिंग एंड एवरी वन क्रेडुलस सहज विश्वास क्रेडुलस कहलाता है जो सहज विश्वास कर लेता है क्रेडुलस आगे देखिए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कोई होता है ना आई एम सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का नागरिक वसुधेव कुटुंब कम पूरा संसार जो हमारा परिवार है यह हमारी बहुत बड़ी सोच का प्रतीक है मैन हु फ्रॉम एन इलनेस इलनेस से जो ठीक हो पुनः स्वास्थ्य लाभोन्मुख जो होता है उसके लिए convalescent शब्द होता है convalescent कॉन्वेलसेंट पुनः स्वास्थ्य लाभोन्मुख जिसको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड cosmopolitan कहलाता है cosmopolitan शब्द अच्छा है द स्टेट ऑफ बींग without अ वाइफ abstaining फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन स्टेट ऑफ बींग विदाउट अ वाइफ तो उसके लिए सेलिबेसी ब्रह्मचर्य सेलिबेसी शब्द यूज़ किया जाता है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेस्ट जो साइनोसी और आकर्षण केंद्र ध्रुव तारा इसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है ठीक है बहुत ही अच्छे शब्द आपके लिए लाए हैं और आप सभी न केवल आपका पूरा एक बार स्पीकिंग में भी इसमें आपको ये फायदेमंद है इससे स्पीकिंग में भी आपको फ़ायदा होगा साथ ही साथ कंपटीशन में भी आप इससे बिल्कुल जुड़े रहें। आगे देखिए पर्सन हु रियली द वैल्यू ऑफ आर्ट एटसेट्रा उसके लिए क्योर्स, कला का निर्णायक जो किसी कला में पारंगत हो ठीक है कॉनिस कला का निर्णायक और हंड्रेड इन एनिवर्सरी हंड्रेड इन एनिवर्सरी एनिवर्सरी में जो सेंटेनरी कहलाएगी सेंटेनरी सौवीं वर्ष का जो होगी सेंचुरी से मिलता जुलता शब्द सेंटेनरी एनी लैंग्वेज इन स्पीकिंग ऑनली बोल चाल की चलती भाषा आम भाषा जो होती है जो कॉलोनियल टाइम में ली गई थी जो उपनिवेशिक राष्ट्र थे उस समय टू सीज बाई ऑथोरिटी कॉन्फिस्केट जब्त करना कॉन्फिस्केट कर देना जब्त कर देना इसके लिए शब्द होगा कॉन्फिस्केट आगे देखिए टू गिव समिंग टू मेक गुड फॉर लेस और डेमेज कहते हैं, ना कंपेजेट क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ जो दिया जाता है और रीचिंग or और so highest पॉइंट कंज्यूमेशन जो कि कंज्यूमेशन कहलाता समापन या समाप्ति कंज्यूमेशन कहलाता है आगे देखिए मैन who हैज lots ऑफ investments इन in द प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा जो इन्वेस्ट आदि करता है वो कैपिटलिस्ट कहलाता है पूंजीपति या महाजन कहलाता है कैपिटलिस्ट और आगे अ रूलर और बॉस देखिए कैपिटलिस्ट यानी जो पूंजीपति होता है महाजन होता है जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है और अ रूलर शासक और बॉस हु यूजेज फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम यानी ऐसा व्यक्ति जो कहे सब मेरी बात को मानो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करें इसके लिए तानाशाह जो होता है अधिनायक जो होता है डिक्टेटर कहलाता है क्या कहलाता है डिक्टेटर जो तानाशाह होता है अधिनायक कहलाता है जो आगे देखिए वन हु इज एंगेज इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ ए कंट्री डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ या राजनयिक जो होता है उसके लिए डिप्लोमेट शब्द यूज किया जाता है ध्यान रखना है आगे देखिए नेचर ऑफ डबल डीलिंग डुप्लीकेसी सॉरी डुप्लीसिटी कपट छल दुरंगी डुप्लीसिटी दोनों अच्छे शब्द हैं वन हु इज एंगेज इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ कंट्री दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेट और नेचर ऑफ डबल डीलिंग जो होती है वो डुप्लीसिटी कहलाती है डुप्लिसिटी कल सॉरी छल कपट और दुरंगी ये इसके लिए बहुत ही अच्छे शब्द हैं आप सभी ना आपस में चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है आपस में बिल्कुल किसी प्रकार की आप प्रतिक्रिया ना दें इधर ध्यान दें और जुड़े रहें आगे देखिए अ पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी और कमिट्स एन ऑफेंस डेलीकुंट अपराधी दोषी जो होता है डेलीकुंट अपराधी शब्द इसके लिए विशेष तौर पर डेलीकुएंट फ्रूट और स्वीट डिश यूजली इटर्न आफ्टर द मेन मील्स भोजन के बाद में खाया जाने वाला मिठाई आदि जो है डेजर्ट कहलाता है और डेजर्ट के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है डी ई डबल एस होगा डबल एस नहीं लगाएंगे तो सिंगल लगाते गड़बड़ हो जाएगी और उसके लिए रेगिस्तान शब्द हो जाएगा डेजर्ट यानी रेगिस्तान ठीक है इसका अर्थ रेगिस्तान होता है और डबल एस में उसमें आपके लिए अलग थोड़ा वो मिठाई का तो यहाँ आपने एस नहीं लगाया तो मिठाई के स्थान पर पता नहीं क्या खा सकते हैं हलंग की खाने की चीज़ नहीं है लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा गड़बड़ होते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ध्यान देना है आगे देखिए इन द आर्ट्स एंड लिटरेचर दैट इज डेलीटेंट कलानुरागी नव सिखुआ डिलिटेंट कलानुरागी नव सीखुआ जो होता है द स्टेट ऑफ बींग मिजरेबल बेफ्ट ऑफ द मटेरियल पोजिशन दैट इज डेस्टिट्यूशन अभावग्रस्ता अभाव डेस्टिट्यूशन भावग्रस्ता जहां पर मटेरियल पोजिशन की जो है कमी होती है मिजरेबल बेरेफ्ट होती है जो आगे देखें डेमोक्रेटिक ओरेटर इसके लिए डेमोग भड़काने वाला नेता या वक्ता जो होता है डिमेगोग डेमोक्रेटिक ओरेटर जो होता है ओरेटर के लिए उसके लिए भड़काने वाला जो नेता है वक्ता उसके लिए शब्द और द इनएबिलिटी ऑफ पर्सन टू सन अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो उसके लिए डिप्सोमेनिया, शराब की लत जिसके पड़ जाती है डिप्सोमेनिया, क्या कहलाता है डिप्सोमेनिया, डिप्सोमेनिया जिसमें शराब की लत पड़ जाती है हालांकि खराब है शराब है खराब इसलिए शब्द तो उसके लिए है लेकिन ये चीज जितना दूर रहे उतना अच्छा रहता है सम थिंग्स रेगुलरली फाउंड आमंग पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी जिसको एंडेमिक स्थानीय मनुष्यों में प्रचलित जो एंडेमिक कहलाता है क्या कहता कहलाता है एंडेमिक जो यहाँ पे लोकल लो, पीपल के साथ में रेगुलरली फाउंड पाया जाता है और कम्युनिटी से जुड़ा रहता है पर्सन हु लाइक्स टू इंडर्स इन रिफाइन सेंसुअस प्लेजर नष्ट करना जड़ से तो उसके लिए इरेडिकेट इरेडिकेट जो शब्द होता है कोई भी इरेडिकेट जो होता है रेडिकेट का अर्थ होता है उन्मूलन करना जड़ सहित नष्ट करना ठीक है अ प्रोफेसर हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस हुआ से अवकाश प्राप्त सम्मानित पद पर बनाए रखी हुई एमराइट्स और एमेराइटस शब्द जो है यूज किया जाता है एन अनयूजल बैंक ऑफ माइंड तो उसके लिए एक्सेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिसिटी व्यवहार की विचित्रता एक्सेंट्रिसिटी अच्छा शब्द है वन हु इज ऑलवेज सीकिंग टू एस्केप फ्रॉम द हार्स रियलिटीज ऑफ लाइफ तो एस्केपिस्ट जो बचने का एक प्रकार से तरीका हु इज ऑलवेज सीकिंग टू एस्केप फ्रॉम द हार्स रियलिटीज ऑफ लाइफ जीवन की जो वास्तविकता उससे बचने का जो प्रयास एस्केपिस्ट कहलाता है टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क कोई भी एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट जल्दी करता है शीघ्रता आदि करना उसके लिए आगे देखें टू फ्री फ्रॉम द कन्फाइन्स ऑफ समथिंग टू लिवरेट फ्रॉम उसके लिए इमेसीपेट मुक्त या उद्धार करना इमेन्पेट और शॉर्ट बट पैथी एंड वेटली वाइडली सेइंग जो होता है जो वाइडली सेइंग होती है अ शॉर्ट विटी फ्रेज एपिग्राम छोटी कविता चुटकुला जो है एपिग्राम कहलाता है और ये लिटरेचर में कई बार पूछा जाता है एपिग्राम को लेकर के इंग्लिश लिटरेचर में इसका काफी यूज होता है ठीक है आगे बढ़ते हम सब्सटीट्यूशन ऑफ ए मिल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन मंगल भाषण एक्सप्रेशन यूपेमिज्म तो इसके लिए ऑग्जस्टिव थकाने वाला थकाने वाला इसके लिए देखिए स्पेलिंग देखिए ऑग्जस्टिव ऑग्जस्टिव थकाने वाला यह इसके लिए स्पेलिंग है ठीक है ऑग्जस्टिव कहलाएगा आगे देखिए नॉट रिफाइंड एंड फ्लुएंट बट फुल ऑफ जर्की मोमेंट्स इरेटिक सन की अनियमित जिसका भरोसा नहीं किया जा सके उसके लिए यह शब्द होगा और दैट विच ट्राइज टू साइड ट्रैक द मेन इश्यू बाय इिवेंस इवेसिव टालम टोल करने वाला इरिलेसिव ठीक है इस प्रकार से इवेसिव शब्द होगा इवेसिव जो इन होता है इस प्रकार से हमने वन वर्ड्स के तौर पर काफ़ी वर्ड्स लिए हैं और इसको लेकर के और भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे स्पीकिंग को लेकर के आपके लिए इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि स्पीकिंग में आपको काफ़ी सरलता रहे प्लस आपका जो कॉम्पिटिशन में आपका जो रुचि है साथ ही साथ जिस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं उसको एक प्रकार से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले अपेक्स क्लासेस एडुटेक सब्सक्राइब नाउ